एवरी प्रेग्नेंट वुमेन वॉन्ट्स टू हैव अ हैसल फ्री डिलीवरी। सभी चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो ताकि सी सेक्शन की प्रॉब्लम से बचा जा सके। ऐसे में योग आपकी मदद कर सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी योगा इंस्ट्रक्टर प्रीति और आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूं एक ऐसा आसन जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में मदद करेगा। क्लॉबर पोज यानी बद्ध कोण आसन। इसे करने के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठें। अब अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर इस तरह जेनिटल्स के पास रखें। अगर तलवे ऊपर की ओर रख सकें तो बेहतर होगा, नहीं रख पा रहे तो तलवों को एक दूसरे से मिलाकर इस तरह बैठ जाएं। हाथों की उंगलियों को इस तरह एक दूसरे में फंसाकर पैरों के नीचे ले जाएं और इन्हें लॉक कर दें। अपनी स्पाइन यानी रीढ़ सीधी रखें। आपका चेस्ट बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। इस पोज में कुछ देर रुककर डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे इनहेल करें और उसके बाद एक्सहेल करें। प्रेग्नेंट महिलाएं बीच बीच में पैरों को ऊपर उठाकर रिलैक्स कर सकती हैं। कुछ देर इसे करने के बाद बटरफ्लाई ट्राई करें। पैरों को इस तरह ऊपर उठाएं और फिर जमीन पर नीचे टिकाएं। ऐसा लगातार दोहराते रहें। नॉर्मल केस में इसे तेजी के साथ किया जा सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय आप इसे आराम से ही प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से आपको पूरा फायदा मिलेगा और आपके बेबी को भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको एक साथ दोनों पैरों को मोड़ने में दिक्कत आ रही है तो इसे एक पैर से ट्राई करें। पहले राइट लेग को सीधा रखें और लेफ्ट लेग से बटरफ्लाई करें। फिर लेफ्ट लेग को सीधा रखें और राइट लेग से बटरफ्लाई करें। ध्यान रखें कि खुद को पुश बिल्कुल ना करें। जितनी देर आप कंफर्टेबल हों इसे करें और उसके बाद रुक जाएं। आप स्पीड अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसे करने के बाद दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं, हाथों को इस तरह पीछे की ओर जमीन पर टिका दें और रिलैक्स करें। बद्ध कोणासन को अपने रूटीन में शामिल करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर, वूम यानी गर्भाशय और पेट के भीतरी अंग सक्रिय होते हैं। इससे टेंशन और थकान दूर होती है। इस आसन को करने से थाइज और हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर आप साइटिका के दर्द से परेशान हैं तो आपको इससे राहत मिलेगी। इससे प्रेग्नेंट महिला के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ये शरीर को एक्टिव रखता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ाता है। प्रेगनेंसी के समय बद्ध कोणासन करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपके घुटने या फिर पैरों में तेज दर्द है तो इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है कि आप बेहतर महसूस करें, लेकिन 2 से 3 मिनट के बाद एक ब्रेक जरूर लें। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो सिंगल लेग से प्रैक्टिस शुरू करें। धीरे धीरे करके दोनों पैरों को मोड़ने की प्रैक्टिस करें। और सबसे ज़रूरी, इसे करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।